नाजरिन कराम अकम व वरक हम इस नशस्त में इस्लाम और अमन आलम का मौजू लेकर आप हज़रा की खिदमत में हाजिर हुए हैं इस्लाम बुनियादी तौर पर मुकम्मल अमन सलामती शांति सुकून शाइतगी का मजहर है बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि इस्लाम मुकम्मल अमन शांति का मजहब है इसमें किसी बेरहमी का किसी फसाद का किसी टेरर का कोई भी मकाम नहीं है और उसकी कोई भी अहमियत नहीं है कोई गुंजाइश नहीं है आपको सुनकर यह हैरत होगी कि अल्लाह तबारक व ताला ने तर हशर की एक आयत में अपनी दो सिफ़तों को जो अमन और सलामती से मुतालिक थी एक ही जगह जिक्र फरमायासादाद फरमाया यूं मलिक्दूसमुमिन नाजरन कराम आप देख रहे हैं कि अल्लाह की सिफत असलाम और अल अलमुमिन दोनों को एक एक बात दी गए एक साथ जिक्र फरमाया गया है सलाम का मादा सिल्म है मोमिन का मादा अमन है अल्लाह तबारक वाल यह फरमा रहा है कि मैं सलाम हूँ अल्लाह यह फरमा रहा है कि मैं मोमिन हूँ अब बताइए जिस जात की सिफत सलाम और मोमिन हो वो ऐसी किताब कैसे उतार सकता है जो अमन और सलामती वाली ना हो या ऐसा रसूल कैसे भेज सकता है जो अमन और शांति के पैकर ना हो जो अमन और शांति के बजाय फसाद फैलाने वाला हो या नबी करीम अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमा करे जो अमन और शांति के पैकर ना हों अमन और शांति के फैलाने वाले ना हों इससे यह पता चला कि जब अल्लाह तबारक वाल की सिफत अस्सलाम और अलमोमिन है जिसका मादा अमन और शिल है तो कोई ऐसा कानून कैसे दे सकता है जो दुनिया में ज़मीन के ऊपर फसाद बर्पा करे साबित ये हुआ कि इस्लाम मुकम्मल तौर पर अमन शांति का और पीस का मजहब है उसके यहाँ फसाद को टेरर को कोई गुंजाइश नहीं है मैंने ये बताया कि जंग के मौके पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के जरिए अमन शांति अदल इंसाफ और रहम का कानून दिया है इस सिलसिले में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश करना चाहेंगे वान खालिद इब्न अल फजरी हद्दसनी अनस इब्न मालिक अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال इन बिस्मिल्लाह व बिललाह

अल्लाह का नाम लेकर के चलो वो बिल्ला की मदद तलब करते रहो वाला मिल्ल रसूल्ला हर हर कदम के ऊपर अलैहि वसल्लम की मिल्लत के ऊपर कायम रहना और उस हदीसी पाक में एक टुकड़ा और भी है कि ला तख़्तुलू शैन फ़ानीन वला तिफ़लन वला सगीरन वला इमरातन देखो तुम किसी बूढ़े को कत्ल मत करना तुम किसी बच्चे को कत्ल मत करना तुम्हारी तलवार किसी बूढ़े के ऊपर नहीं उठना चाहिए तुम्हारे हाथों से कोई बच्चा न मारा जाए ऐन जंग के मौके पर नबी करीम अलैहि वसल्लम का ये हुक्म और ये कानून इस बात की दलील है कि इस्लाम अपने मानने वालों को अमन और पीस की ताकीद करता है यहां तक कि जंग के मौके पर भी वो ये चाहता है कि किसी के ऊपर कोई जुल्म ना होने पाए अब आप एक सवाल करेंगे कि जब इस्लाम इस तरीके से अमन और शांति की बात करता है तो इसमें जिहाद का तस्वुर क्यों मौजूद है नादिन निक्राम हम ये बताना चाहेंगे कि जिहाद जो होता है वो मकसद होता है आजकल जो लोग जिहाद का माना समझते हैं वो मतलब जिहाद का नहीं है बल्कि जिहाद का मकसद इंतहाई अजीम है और उसके कुछ शराइ हैं कुछ कवायद हैं जैसा कि मैं अभी बयान करूंगा इन सबसे पहले ये जान ले कि जिहाद तीन वजूहत से फर्ज होता है और तीन वजूहत की बिना पर जिहाद की इजाज़त है पहला सबब और पहली वजह यह है कि अल्लाह तबारक व वाली का कलेमा बुलंद करना हो दूसरा म का खात्मा करना मकसद हो और तीसरे र हक के अंदर मिल जाए तो हक से जुल्म को अलग करने के लिए भी जिहाद जरूरी है और ये कोई नई बात नहीं है बल्कि अगर देखा जाए तो कोई भी मजहब इससे मुनकिर नहीं होगा गीता के अंदर देखिए एलाय कलेमतुल्लाह की बात जो कही गई है किसी भी मजहब के मानने वाले से ये पूछिए कि बताइए इंसान की बात ऊपर रहे या ईश्वर की बात अल्लाह की बात ऊपर रहे तो कोई भी इंसान इतना गया गुजरा नहीं होगा कि वो ये कहेगा कि नहीं ईश्वर की बात अल्लाह की बात ऊपर नहीं होनी चाहिए मेरी बात ऊपर रहे यही बात गीता के अंदर कही गई है श्लोक इस तरह है यह शास्त्र विधि मुत सिर्ज वर्तते काम कारता न सिद्धिमोति न सुखम न पराम गतिम श्लोक का तर्जमा यह है कि जो शास्त्र के कवानीन को छोड़ देता है शास्त्र के कानून को छोड़ करके काम कारता हो जाता है अपनी मर्जी के ऊपर चलने वाला हो जाता है तो न सिद्धि माप तो न उसे सिद्ध प्राप्त होती है नजात हासिल नहीं होती और उसे सुख प्राप्त नहीं होता सुख हासिल नहीं होता और न उसे परम गति प्राप्त होती है उसे आला दर्जे की नजात नहीं मिलती इस श्लोक के अंदर यही बात कही गई है कि कोई भी आदमी अपनी ख्वाहिश से कोई काम ना करे बल्कि हर काम वो शास्त्र के कवानीन के मुताबिक करे शास्त्र के कवानीन को छोड़ देगा और अपनी मर्जी से काम करने लगेगा तो फसाद नहीं रखा है उसको सुख हासिल नहीं हो सकता उसको नजात नहीं मिल सकती तो एलाय एलायतुल्लाह की जो बात है उसकी इजाजत तो गीता भी देती कि आदमी का कानून का नहीं बल्कि शास्त्र का कानून का चलना चाहिए और दूसरा मकसद जुल्म का खात्मा तो यह भी कोई नई बात नहीं है आप गीता उड़ा करके देखें तो उसका जो पहला ही श्लोक है वो यही है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता किम संजया पांडो के बेटे और कौरों के बेटे दोनों आमने सामने कुरुक्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं जिसे वो धर्म का क्षेत्र कह रहे हैं तो धृत पूछते हैं कि जरा ये बताओ कि इस माहौल में मेरे बेटे और मेरे भाई के बेटे आमने सामने जो खड़े हैं उन्होंने क्या किया नागरी ने क्राम ये बताएं कि गीता का ये श्लोक जो पहला श्लोक है इससे ये पता चलता है कि दो सगे भाइयों के बेटे आपस में लड़ने के लिए मैदानी जंग में जमा हैं सवाल ये है कि ये जंग क्यों हो रही है और इसे धर्म की जंग क्यों कहा जा रहा है उसकी वजह यह है कि पांडव ये समझते थे कि हम लोग हक के ऊपर हैं और हक के ऊपर लड़ना ये आला दर्जे की चीज है और हक से फिरना हक के रास्ते में लड़ने से भागना बहुत बड़ी कायरता है बहुत बड़ी बुजदिली है पहले तो अर्जुन ने लड़ना गवारा नहीं किया इसलिए कि सामने देखा कि ये तो मेरे ही भाई हैं अगर ये लोग नहीं रहे और इनको हम लोगों ने कत्ल कर दिया तो फिर जिंदगी में मजा क्या है तो कृष्ण ने उनसे यही तो कहा था क्लेब्यम मास मगम पार्थ <tweak> नए तत्यु पद्धते नए तत्यु पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बलिम त्यक्तोत्तिष्ठ प्रंतपा तर्जमा यह है कि बुजदिली को तू मत प्राप्त हो तो बुजदिल मत बन ये तेरे लिए मुनासिब नहीं है अर्जुन पार्थ नए तत्यु तू ये समझ रहा है कि मेरे सामने मेरे भाई लोग हैं इस वजह से हक की राह में मुझे नहीं लड़ना चाहिए तो ये बुजदली मत दिखा ये तेरे लिए मुनासिब नहीं है और ये तेरे दिल में जो अदना दर्जे की हकीर बुजदली पैदा हुई है इसको छोड़ करके तू अर्जुन उनके मुकाबले में आ जा बताइए इन्होंने पीछे हटना चाहा लेकिन कृष्ण ने कहा कि लड़ो इसलिए कि लड़ाई हक की है तो हक के लिए आदमी लड़ सकता है और यही जिहाद का मकसद है नाजरी कराम हम यहाँ छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकते हैं थोड़ी देर के बाद फिर हाजिर होते हैं इन शुरू नजरन करामक वरहत लबरक गुफ्तु इस्लाम और अमन आलम के मौजू पर चल रही है अभी तक मैंने ये बताया कि जहाद ये कोई बुरी चीज़ नहीं है बल्कि इसका मकसद बड़ा अजीम है और मैंने ये बताया कि जहाद के तीन बुनियादी मकासद हैं पहला मकसद है एलाय कलीमतुल्ला ईश्वर की बात चले अल्लाह की बात चले इंसान की बात ना चले गीता से साबित है तो कृष्ण ने उनसे यही तो कहा था क्लेब्यम मास मगम पार्थ नए तत्यु पद्धते नए तत्यु पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बलम त्यक्तोत्तिष्ठ प्रंतपा तर्जमा यह है कि बुजदिली को तू मत प्राप्त हो तू बुजदिल मत बन ये तेरे लिए मुनासिब नहीं है अर्जुन पार्थ नए तत्पद्ध तू ये समझ रहा है कि मेरे सामने मेरे भाई लोग हैं इस वजह से हक की राह में मुझे नहीं लड़ना चाहिए तो ये बुजदिली मत दिखा ये तेरे लिए मुनासिब नहीं है और ये तेरे दिल में जो अदना दर्जे की हकीर बुजदिली पैदा हुई है इसको छोड़ करके तू अर्जुन उनके मुकाबले में आ जा बताइए इन्होंने पीछे हटना चाहा लेकिन कृषि ने कहा कि लड़ो इसलिए कि लड़ाई हक की है तो हक के लिए आदमी लड़ सकता है और यही जिहाद का मकसद है और दूसरी चीज दूसरा मकसद जिहाद का यह है कि आदमी हक के लिए जरूर लड़े और मैंने इस श्लोक से भी उसको साबित कर दिया तीसरी चीज यह है कि अगर हक के अंदर कहीं बातिल की आमेजिश हो गई हो बातिल मिल गया हो तो उसको निकालने के लिए भी जहां जरूरी है मसलन शिरक ये बहुत बड़ा जुल्म है अगर ये ईमान के साथ भी मिल जाए तो उसको अलग करने के लिए जहां जरूरी है और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि गीता के दो श्लोकों से ये बात साबित है चलिए एक श्लोक के अंदर जो बात मौजूद है पहले वो देखते हैं श्लोक इस तरीके से है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम तेजाने प्रियोसी में कहा यह जा रहा है तू मेरा मनन करने वाला मेरा ही जिक्र करने वाला बन मन मना भव जिक्र करना मेरे लिए होना चाहिए और मेरा ही तुझे भक्त बनना है मद्याजी मेरा ही याजी और मेरा ही इबादत गुजार तुझे बनना है और माम नमस्कुरु मेरे ही आगे तुझे कयाम करना है तुझे रुकू करना है तुझे सजदा करना है मुझे ही तुझे नमा करना है मेरे सामने तुम लोगों को ताजीम के तौर पर खड़े होना है नमा करना है और मामे वैश्यसी सत्यम ते परिजाने प्रियोसी में और जो मेरे साथ ऐसा करता है तो मैं उसके ताल्लुक से ये अहद करता हूं उससे यह वादा करता हूं कि मैं तुझे अपना महबूब बना लूंगा तुझे अपना प्रिय बना लूंगा मामे वैश्यसी सत्यम ते पर जाने प्रियोसी में तू मेरा प्रिय बन जाएगा अगर तू मेरा भक्त बनता है मेरा इबादत गुजार बनता है और मेरा ही जिक्र करने वाला बनता है अब देखिए इस श्लोक के अंदर यह हुक्म दिया गया है कि मेरा ही जिक्र करने वाला तुझे बनना चाहिए मेरी ही इबादत करने वाला तुझे बनना चाहिए मेरे आगे तुझे नमा करना चाहिए किसी और के आगे नहीं झुकना चाहिए और अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे अपना प्रिय बना लूंगा तुझे अपना महबूब बना लूंगा इसी को तोहीद कहते हैं और एक जगह तो मजीद वजाहत कर दी गई कि सारी चीजें मुझे ही अर्पण करना जरूरी है किसी और के आस्था के ऊपर किसी और जगह पर मेरे अलावा किसी और के दरबार में किसी और के आस्था पर कोई भी नजरों नियाज मत पेश करना श्लोक इस किस तरह है? हैदर्पणम कहते कि यत करोशी जो तुम आमाल करते हो जो तुम काम करते हो यत करोशी, जो तुम करते हो यदश नाशी जो तुम खाते हो यानी तुम्हारे करने की सारी चीजें यदश नाशी तुम्हारे खाने की सारी चीजें जो तुम खाते हो या तुम्हारी कुर्बानी की सारी चीजें जो तुम कुर्बानी करते हो ददासियत जो चीजें तुम अपने हाथ से देते हो सदके के नाम पर खैरात के नाम पर जकत के नाम पर और यह तपस्यसी जो तुम इबादत करते हो ए अर्जुन ए कौन थे तत्कुरुष्व मदर्पणम ये सारी की सारी चीजें सिर्फ मेरे हुजूर अर्पण करना जरूरी है अब अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो दरहकीकत वो तोहीद के अंदर शिरक की आमेजिश करता है तो अगर इसका खुलासा सामने रखा जाए तो पता यह चला कि जिहाद के दो मकासद हैं एक तो अल्लाह की बात ऊंची रहे जिसको हम कहते एलायतुल्ला और दूसरा मकसद है जमीन पर से जुल्म का खात्मा और अदल का क्याम और ये कोई नई बात नहीं है जो इस्लाम कहता है ये कोई नई बात नहीं जो कुरान कहता है बल्कि यही बात तो गीता कह रही है और आगे बढ़ें तो ये हम देखते हैं कि बाज लोग ये कहते हैं कि कोई भी फर्द कोई भी आदमी अपने मुखालिफ को कत्ल कर देता है किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर देता है ये बात कहां तक इस्लाम के अंदर है इस सिलसिले में नबी करीम अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर दूं कि चंद अफराद मिल करके जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं ऐसे लोगों को मार दें या ऐसे लोगों पर हमला करें जो इस्लाम वाले नहीं हैं इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता बल्कि जहाद के कवानीन में से कानून है शराइ में से एक शर्त है कि वो खलीफा के तहत होना चाहिए खलीफा के साथ मिल के होना चाहिए खलीफा की क्यादत में होना चाहिए दलील दलील यह हदीसे पाक व नबी हुर रसूल सल्हल इमाम जन्नतलुबिही रवाह अबूदाउत जिहादरत अब हुर रजी तरमाते हैं कि नबी करीम सलम ने इर्शात फरमाया कि इन नमल इमाम जन्नत युकालु भी इमाम ढाल है सुल्तान ढाल है बादशाह ढाल है खलीफा ढाल है उसके साथ ये कताल किया जाएगा चंद अफराध हथियार उठा लें और किसी भी कत्ल करने लगें ये इस्लाम के अमन और अमान को खत्म करने वाली बात है इस्लाम इसकी कतः इजाजत नहीं देता बल्कि जिहाद के शराइ हैं वो शराइ जब तक पूरे नहीं होते इस्लाम जिहाद की इजाजत नहीं देता और वो तो कहता है इस तरीके से मान मुजाहिदीन कॉल समय तो उमर रजी अल्लाह तुहानी नबी सल्लाम कॉल इन नमिन तकून मिसल मुस्लिमी

करम आप जानते हैं खजूर एक ऐसा दरख्त है जिसकी कोई भी चीज बेकार नहीं होती है और मुसलमानों को उसी दरख्त से तस्वीर दी गई है यह बताने के लिए कि जिस तरीके से खजूर की कोई चीज खजूर के दरख्त की कोई चीज बेकार नहीं होती ऐसे ही मुसलमान की कोई हरकत बेकार नहीं होनी चाहिए जो इंसानियत के लिए गैर नफा बख्श हो बल्कि जिस तरीके से एक दरख्त होता है और दरख्त जितने भी होते हैं आमतौर पर साइंसदान ये बताते हैं कि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हजम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उनकी खुराक है और ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और जाहिर है कि ऑक्सीजन की कितनी अहमियत है अगर ऑक्सीजन ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता ऑक्सीजन के ऊपर ही इंसानी जिंदगी का मदार है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान की तशबी एक दरख्त से दी है और खास तौर से खजूर के दरख्त से तो एक दरख्त से मिसाल देना ही एक आला दर्जे की मिसाल है दूसरे खजूर के दरख्त से मिसाल देना ये और आला दर्जे की मिसाल है अगर ये कह दिया जाए कि मुसलमान एक दरख्त की तरह है तब भी काफी था इसलिए कि दरख्त ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे इंसानी जिंदगी कायम रहती है और आपने खजूर के दरख्त की मिसाल दे दी कि साथ, साथ इसके कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है जिस पर मदार हयात है जिस पर इंसानी जिंदगी का मदार है साथ साथ उसकी कोई चीज बेकार नहीं होती इसलिए जिस मुआशरे में तुम रहो जिस समाज में तुम रहो जिस मुल्क में तुम रहो तुम्हारी जात से किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस तरीके से है वन अभी हुररत रजील् तु काला कला रसोल सल वसम अलमुसलिमूनिम नासुमिलू मन अमिन अला दिमा वमिम रवासई फ़ी किताबिल व शरा ही हजरत इमाम नसी रहमत इस हदीस को ऐसे ही किताबुल ईमान व शरा ही के अंदर लाए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो मुसलमान किसको बोलते हैं और मोमिन किसको बोलते हैं आओ मैं तुम्हें बताता हूं अल मुस्लिम मन कि मुस्लिम वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दुनिया के तमाम लोग महफूज रहें उसकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे ये तो मुसलमान की तारीफ हुई खाली मुसलमान को मुसलमान से फायदा हो मुसलमान को मुसलमान से तकलीफ ना हो सिर्फ यही बात नहीं कही गई बल्कि ये कहा गया कि दुनिया के तमाम इंसान उसकी जबान उसके हाथ से महफूज रहे तो वो मुसलमान है किसी को उसकी जात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसलिए कि वो खजूर के दरख्त की तरह है इतना नाफे है इतना नफा बख्श है ये तो आपने मुस्लिम की तारीफ फरमाई उसके बाद आपने फरमाया और मैं बताता हूँ कि मोमिन किसको कहते हैं मन अमीन मोमिन वो है कि लोग मामून रहें महफूज रहे उससे अपने खून के बारे में और अपने मालों के बारे में यानी मोमिन वो है जो किसी का खून नहीं करता मोमिन वो है जो किसी के माल के ऊपर बुरी नजर नहीं रखता उसका माल नहीं कसब करता नादरी ने किराम आपने देखा कि इस्लाम में मुस्लिम की क्या तारीफ की गई है इस्लाम में मोमिन की क्या तारीफ़ की गई है खुलासा ये मालूम हुआ कि इस्लाम सरापा अमन और शांति का मजहब है इस मजहब के अंदर फसाद की और टेरर की कतान कोई गुंजाइश नहीं है नादरी निकराम इस्लाम और अमन आलम के ऊपर गुफ्तगु यहीं ख़त्म होती है अगले एपिसोड के अंदर हम एक नए उनवान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तब तक के लिए इजाज़त दें السلام عليكم ورحمه الله وبركاته